किला दीदार सिंह में मलिक शफाकत अली की रिहाइश गाह पर मिस्र से आए अशेख नसर अत्तारोती और अशेख अहमद साले अब्दुल्ला के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें उम्मीदवार PP70 समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। मोहम्मद शकील नजीर खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। किला दीदार सिंह में मलिक शफाकत अली की रिहाइश गाह पर मिस्र से आए अशेख नसर अत्तारोती और अशेख अहमद साले अब्दुल्ला के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी अवार्ड याफ्ता कारी वसीमुल्ला अमीन, कारी उमर फारूक, कारी अब्दुल लतीफ कसूरी, खुरम अरशद मेहर समेत उम्मीदवार PP70 और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी आतिफ मुनीर दोगल का कहना था कि सहूनी फौजियों की जानिब से फलस्तीन के मजलूम अवाम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सहूनी रियासत ने फलस्तीनियों के जिस्मानी कत्लेआम के साथ उनका मुआशी कत्लेआम भी किया। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अवाम आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद में हक बजानिब है।